हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। किसान भाइयों, आज अपन देखेंगे सोयाबीन में टाबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कब करें, कौन कौन सी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका केमिकल फार्म कंट्रोल, क्रॉप स्प्रे, प्रत्येक स्प्रे कंपनियों सावधानियाँ। वो किसान भाइयों, सोयाबीन में ये दो काम कौन से करें कि आपको उत्पादन अच्छा मिले। किसान भाइयों, सोयाबीन 40 से 50 दिन के बाद यह दो काम जरूर करें। यकीनन आपको पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। ये कौन कौन से दो काम, तो मैं आपको सोयाबीन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाने वाले हैं टाबोली, तो इसकी संपूर्ण डिटेल किसान भाइयों आगे अपन देखने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे जरूर, मैंने स्वयं जाकर देखा कि कई स्थान पर सोयाबीन की फसल 3-4 फुट हो चुकी है। जिन किसान भाइयों को सोयाबीन की जरूरत से ज़्यादा हाइट हो चुकी है, ऐसी वैरायटी या ऐसी जो नई वैरायटी जो हाइट ज़्यादा लेती है, किसान भाइयों यदि आपकी सोयाबीन, अब देख सकते पहले किसान भाइयों कौन कौन सी फसल में इसका स्प्रे करें। मुख्य रूप से कपास, धान, मक्का, गन्ना, अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, बरबटी, बैंगन, पत्ता गोभी, मिर्च, मटर और अन्य सभी सब्जी वर्गीय फसलों पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। किसान भाई, किसान भाई यदि सोयाबीन अधिक हाइट ले चुकी है, तो यकीनन वाटर मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, वो पूरे वेजिटेटिव बढ़ाने में लग जाएंगे। यदि आप आपको ये काम करना होगा, आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करना होगा, जिससे किसान भाइयों जो हमारी हाइट रेगुलेट हो जाएगी, रेगुलेट हो जाने रुक जाएगी हाइट, और हाइट रेगुलेट होने के बाद जो हमारा पौधा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारा पौधा जड़ों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से भोजन तैयार कर रहा था, वह पूरी एनर्जी फूल फलिया की तरफ लग जाएगी। तो किसान भाइयों इसका बेनिफिट है। टाबोली 40% टबई पोलमीटर, यह एक पौधे का विकास मंदक वाला डिटरमिनेट ट्रिपल एक फफूंदनाशक भी है यहाँ। तो किसान भाई आप देख सकते हैं, एक फफूंदनाशक की तरह यानी फंगीसाइड की तरह भी वर्क करता है, इसका डबल बेनिफिट है। तो किसान भाई आपने देखा न्यूट्रेंस, अब इसमें अपन देखेंगे इसमें टेक्निकल कौन सा है, और आगे भी अपन पेक्टा प्यूट्राजोल 40% एससी फॉर्म में। तो किसान भाइयों इसका काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है, और हर वीडियो में बताता रहता हूँ या बोलता रहता हूँ किसान भाइयों कि आप जब भी कीटनाशक, खरपतवार नाशक या पीजीआई जो भी आपको लाना है, टेक्निकल देख कर अवश्य लाएं। यदि ये उपलब्ध किसान भाई टाबोली नहीं है, तो आप इसी टेक्निकल का दूसरा प्रोडक्ट लेके आए। तो किसान भाई आगे देखेंगे अपन लास्ट में कि इसका डोज क्या रखना है। तो किसान भाइयों जो एनर्जी वही एनर्जी अपने को फूल फलियों की तरफ लगेगी, फूल फलियों की तरफ, जिससे यकीनन मानिए संख्या बढ़ेगी, सोयाबीन की फसल अधिक हो चुकी है, जल्दी से जल्दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करें, फसल रेगुलेट हो जाएगी, वो फसल फूल और फलियों की संख्या बढ़ेगी। इससे प्रति एकड़ किसान भाई उसका 30 ml 150 लीटर पानी में आप स्प्रे करें। तो किसान भाई किसी फसल का उत्पादन उसकी स्प्रे की सही डोज के मात्रा को पर निर्भर करता है, तो आप सही डोज डालें। तो किसान भाई आपने देखा, जो भी किसान भाई ये सोचते हैं कि इसके डालने से बेनिफिट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी फसल में फल कम आएंगे, क्योंकि यदि आप इसको नहीं डालेंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी और फल कम आने के कारण आपको उत्पादन घाटा करना पड़ेगा या कम उत्पादन निकलेगा। तो किसान भाइयों आपने देखा इसके क्या बेनिफिट है। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। खेती बाड़ी और नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। किसान भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक्स वॉचिंग।